हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे MIUI 10 के नेक्स्ट न्यू ग्लोबल बीटा रोम 8.11.22 के बारे में। तो इस अपडेट का चेंज लॉग प्रीव्यू हमारे सामने आ चुका है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे इस अपडेट के बारे में। पोर्ट्रेट मोड मिलेगा कि नहीं, 4K रिकॉर्डिंग एंड रेडमी 5A के ओरियो अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ रेडमी 5K भी काफी सारे बग्स में हमें इस अपडेट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंजीत, स्वागत करता हूं एमडी टॉक यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और साथ के इस घंटे के आइकन को भी जरूर से दबा दे, ताकि जब भी बीटा अपडेट्स की वीडियो हम बनाए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर गाइस बात करेंगे इस अपडेट के बारे में। तो ऊपर मेंशन किया गया है MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 8.11.22। तो ये अपडेट आपका 22 नवंबर 2018 का ये अपडेट है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, और नीचे चेंज लॉग प्रीव्यू भी यहाँ पर बताया गया है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। इस अपडेट में आपको सिक्योरिटी एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इस अपडेट में आपको पोर्ट्रेट मोड भी देखने को नहीं मिलेगा। जिन डिवाइसेस में ऑलरेडी मिल चुका है तो बस उन्हें ही मिला है। आगे आने वाले अपडेट्स में आपको पोर्ट्रेट जरूर से देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस अपडेट के साथ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पर डिफरेंट सोर्सेज से न्यूज सामने निकल कर आई है। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, चेंज लॉग में मेंशन किया गया है न्यू यू कैन अप्लाई फॉर अपडेट्स नाउ MI8 लाइट। तो MI8 लाइट के यूजर्स के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि वो बीटा अपडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन MI8 लाइट इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हम ज्यादा कुछ यहाँ पर बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर फिक्स किया गया स्क्रीन ब्लिंकिंग व्हेन वॉचिंग यूट्यूब और यूजिंग क्रोम। तो यह स्क्रीन कई बार यहाँ पर आपकी ब्लिंक करती है जब भी आप यूट्यूब, कुछ कई बार आपको ब्लिंक करने को देखने को मिलती है, हमेशा नहीं मिलती, जब भी यूट्यूब वगैरह या फिर क्रोम को यूज करते हो। रेडमी 5 का इश्यू था, तो यार पिछले एक दो अपडेट्स में रेडमी 5 के लिए तो यार काफी सारे बग्स देखने को मिलते हैं, कभी कैमरा वर्क नहीं करता, कभी कुछ बग, क्योंकि यार ओरियो अपडेट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, तो अभी इतना सक्सेसफुल अपडेट तो ये नहीं रहा है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इस अपडेट के साथ पूरी पूरी उम्मीद है कि सारे बग्स आपके रेडमी 5 के यूजर्स के फिक्स कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर पॉइंट है रेडमी 5 के यूजर्स के लिए ही नोटिफिकेशन बार ऑलवेज पॉप्स अप सिम 1 इज HD कैपेबल। तो यार नोटिफिकेशन बार के कुछ इश्यू थे तो उन्हें फिक्स कर दिया गया है, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बार 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 ये दिखाता था कि सिम 1 HD कैपेबल है, तो ये इश्यू बार बार का ये फिक्स यहाँ पर कर दिया गया है, कुछ आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बता दूं, रेडमी 5 के काफी सारे बग्स यहाँ पर सोल्व कर दिए जाएंगे इस अपडेट में। तो काफी लोगों के कमेंट्स आए कि रेडमी 5 में ये इश्यू हो गया जब से ऑडियो अपडेट किया है, तो अब आप टेंशन मत लीजिए, पूरे चांसेस है इस अपडेट में आपके सारे बग यहाँ पर फिक्स कर दिए जाएंगे। और गाइज, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जिनको अपडेट ये नहीं मिलता है या फिर जो स्टेबल यूजर है उन्हें बीटा में जाना, तो आप टेंशन मत लीजिए। इस अपडेट की डाउनलोड लिंक्स मैं आपको फ्राइडे को शाम को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा लगभग सभी डिवाइसेस की, तो आप फ्राइडे की शाम तक वेट कर लीजिए डाउनलोड लिंक्स का। अगर आपको अपडेट नहीं मिलता है तो आप वहां से भी अपडेट कर सकते हैं। और गाइस, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो का लाइक टारगेट है ओनली 300 लाइक्स का, तो आपको ये कंप्लीट कर देने हैं। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, फिक्स किया गया है कांट सी व्हाट्सएप मैसेजेस व्हेन यू आर यूट्यूब फुल स्क्रीन मोड। तो गाइस, जब भी यूट्यूब के फुल स्क्रीन मोड में हम एंटर करते हैं, मतलब वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो गाइस व्हाट्सएप जो मैसेजेस हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, यानी उनके नोटिफिकेशन वगैरह, तो इन्हें फिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर फिक्स किया गया ट्रांसलेशन प्रॉब्लम इन कैलेंडर। तो ये इश्यू था कैलेंडर का, तो इसे भी फिक्स कर दिया गया है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, पोर्ट्रेट मोड 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको इस अपडेट में बिल्कुल लेस चांसेस है देखने को मिल जाए, और साथ ही साथ जो रेडमी 5 के जो भी बग्स थे तो वो यहाँ पर सोल्व कर दिए जाएंगे, और जो रेडमी 5A के यूजर्स हैं तो उसके लिए ओरियो अपडेट इस अपडेट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ओरियो रेडमी 5A के लिए इस अपडेट के साथ रोल आउट कर दिया जाएगा। तो पिछले एक दो अपडेट्स रेडमी 5A के लिए सस्पेंड हो गए थे, क्योंकि यार ओरियो अपडेट टेस्टिंग में था जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा, ज्यादा बग्स होने के कारण शाओमी के उन्हें सस्पेंड करना पड़ा। तो आप टेंशन मत लीजिए, इस वीक के अपडेट के साथ रेडमी 5A के लिए ओरियो आपको देखने के पूरे पूरे चांसेस, आपको यहाँ पर ओरियो मिल जाएगा, अपडेट सस्पेंड नहीं होगा। बाकी शाओमी का डिसीजन है, अगर सक्सेसफुल रह जाता है तो काफी अच्छी बात है। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी आपके क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपको कोई भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। फॉलो कर लीजिए,
तो आज के वीडियो में के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आज का वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।